नमस्कार, आपका स्वागत है अपने इस चैनल पे। मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, लेकिन एक उम्मीद भी लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरी पूरी बात को सुनिएगा। बड़ा ही अंदर से दुखी हूँ। जब स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं, स्कूल बंद हो सकते हैं, कोचिंग बंद हो सकती है, परीक्षाएँ टाली जा सकती हैं, तो चुनाव आखिर क्यों नहीं टाले जा सकते? नेताओं की बेशर्मी की हद देखो। एक तरफ न्यूज़ में हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति आ जा रही है। उसी न्यूज़ चैनल पे, उस न्यूज़ के तुरंत बाद हमें ये दिखाया जा रहा है कि अमित शाह और मोदी की रैली हो रही है पश्चिम बंगाल में, उसके अलावा ममता बनर्जी की रैली हो रही है और उसमें लाखों लोग जुट रहे हैं। नेता उस पर खुशी मना रहे हैं, नेता बहुत खुश हो रहे हैं। जो चुनाव में जो नेता प्रचार कर रहे हैं वो खुश हो रहे हैं कि हमारी रैली में इतने लाख लोग आए, रोड शो में इतने लाख लोग आए। और इधर क्या है, इधर आम आदमी खाने को मोहताज हो जाएगा अगर ये बेशरम नहीं सुधरेंगे। जब एग्ज़ाम टाले जा सकते हैं, जब परीक्षाएं टाली जा सकती हैं, स्कूल कोचिंग बंद हो सकते हैं, तो चुनाव क्यों नहीं टाले जा सकते? ये एक आम आदमी का क्वेश्चन है। पिछली बार आपने क्या किया, पिछली बार जो आपने तैयारियां करी थी उससे केसेस डबल हो चुके हैं। 1 लाख पर डे के केस आए थे, आज 2 लाख, और इन फ्यूचर में, भविष्य में, आज से 10 दिन बाद 5 लाख केस आने लगेंगे, 10 लाख केस आने लगेंगे, पीक आ जाएगा। अस्पतालों में अभी जगह नहीं है, वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कमी है। आपने किया क्या साल भर, क्या किया? आम आदमी पूछ रहा है आपसे, क्या किया? क्या ये रैलियां बंद नहीं हो सकती, चुनाव टाले नहीं जा सकते? जीवन है, इंसान की जीवन से ज्यादा कीमती है सत्ता पाना। नेताओं को केवल व्याख्यान देने के अलावा कुछ नहीं आता, उन्हें केवल सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। एकदम निर्मूल व्यवस्था हो गई है। डॉक्टर्स लगे हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं, फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए स्पेशल, जो पीएम केयर्स फंड में आपने पैसा लिया था, क्या हुआ सारा, कहां गई सुविधाएं, सुविधाएं कहां चली गई? अब बात करते हैं आपकी, आम आदमी की। देखिए, नेता रैली करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, रैली करना नहीं छोड़ेंगे, चुनाव बंद नहीं होगा। और चुनाव में क्या होगा, घर घर जाकर ये प्रचार करेंगे और घर घर जाकर कोरोना फैलाएंगे। सच्चाई है, यही सच्चाई होने वाली है, क्योंकि इनको सत्ता के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। सत्ता चाहिए, पब्लिक जिए चाहे मर जाए, सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर सत्ता का सुख होना चाहिए। अब आम आदमी के लिए बात कर लेते हैं। आम आदमी क्या करे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, निकलो कहीं, बहुत जरूरी हो तो तभी निकलो, मास्क लगाओ, एक नहीं डबल मास्क लगाओ, सैनिटाइजर उपयोग करो, सैनिटाइजर का हर समय उपयोग करते रहो। अगर कुछ आप कॉन्टैक्ट में कुछ टच करते हो तो सैनिटाइज करो बीच बीच में, ताकि वायरस के चपेट में अपना हो। बहुत ही बुरी स्थिति है, हर घर में कोई न कोई बीमार पड़ा हुआ है। ये स्थिति है, ये रियलिटी है, ये न्यूज़ पे नहीं दिख रहा है आपको। घर घर में कोई न कोई बीमार पड़ा है, और अगर कोई सामान्य सी बीमारी हो जाती है, कोरोना नहीं, कोई और भी बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है आपका इलाज करने के लिए। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, आपकी, अपने आपकी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में है। तो बाहर निकलने से बचें, बहुत जरूरी हो तो निकलें, अपनी सुरक्षा के साथ निकलें। और ये जो नेता लोग हैं जिनके लिए आप लोग जान दिया करते हो, इनको सत्ता के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है,
तो ये अब छोड़ चुके हैं, इनकी ये क्यों प्रचार कर रहे हैं जानते हैं? नेताजी जो है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके लिए तो स्पेशल बेड की व्यवस्था होती है, उनको ऑक्सीजन की कमी थोड़े हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से तो मरेगा आम आदमी, इनके लिए तो 5 स्टार वाली व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। आज एम्स में आम आदमी भर्ती नहीं हो सकता है, लेकिन इनके लिए, नेताओं के लिए बुकिंग रहती है, प्री बुकिंग पहले से रिजर्व रहता है। क्यों रहता है रिजर्व? क्योंकि ये यही सत्ता सुख है भाई, इसीलिए तो ये फैला रहे कोरोना। रैलियों की वजह से बहुत कोरोना फैलने वाला है। तो बस इतना ही कहना चाहता था, बड़ा दुखी है मन इन नेताओं के इन करतूतों से कि रैलियां बंद नहीं कर रहे हैं लोग। अब भगवान की ऊपर देखो, ईश्वर क्या बोलेगा आपको? भगवान के लिए तो छोड़ दो, लोगों के जीवन के लिए अब तो रैलियां करना छोड़ दो। चुनाव आयोग संज्ञान लो, कोर्ट संज्ञान लो और प्रतिबंध लगाओ। जनसंपर्क अभियान में अभी गांव में ग्राम प्रधान वाला और क्षेत्र पंचायत वाला जो चुनाव होने वाला है, उसमें घर घर घूम के लोग कोरोना फैलाएंगे, क्योंकि ये लोग शहरों में घूम रहे हैं, ठीक है, और टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं, कोई भी टेस्टिंग नहीं करा रहा है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद रखो। तो उम्मीद है कि ये जो बातें हमने आपको बताई हैं, इस पर आप अमल करेंगे और ये मैसेज, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि प्लीज़ बहुत ज़रूरी होने पे घर से बाहर निकलें, बहुत ही ज़रूरी होने पे अपने सुरक्षा की का ध्यान रखते हुए, अपने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बाहर निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र साथ में रखें और उसको बार बार इस्तेमाल करते रहें। उम्मीद करते हैं ये पैंडमिक, ये महामारी चली जाएगी और हम इससे बचे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके सलामती की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।